नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नवलपरासी कावासोती में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से दो गोटे की मृत्यु। भक्तपुर में टिपर दुर्घटना, एक गोटे के जान गेल। पारमाणविक तथा रेडियो धर्मी पदार्थ के सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण प्रयोग संबंध में व्यवस्था करो बनल विधेयक प्रति प्रतिनिधि सभा सांसद सभा का आपत्ति। संसदीय इतिहास में पहल बेर सांसद सभक वीडियो प्रोफाइल तैयार। 61वां संसद दिवस के अवसर में सिंह दरबार में सार्वजनिक। भारतीय आईफा अवार्ड के लिए 1 अरब देवाक निर्णय केने कहित सत्तारूढ़ निकपा से सरकार विरोध। एहन निर्णय नहीं भेल पर्यटन बोर्डक दावी। भारतक जम्मू कश्मीर में सवारी दुर्घटना, 33 गोटे के मृत्यु, 22 गोटे घायल। आप समाचार विस्तार से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नवलपरासी के कावासोती 8 स्थित जंगल में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। सोमदिन नारायणगढ़ से बुटवल दिस जा रहा लू 2 10 नंबर के ट्रक नारायणगढ़ दिस जा रहा लू 49 पर 3625 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में रूपंदेही देवदह नगर पालिका 7 रहनिहार 27 वर्षक मिलन भट्टराई आ 33 वर्षक तारा पोखरेल रहा। ट्रक के ठक्कर से गंभीर घायल भेल दोनों गोटे के इलाज क्रम में जान गेल। प्रहरी जानकारी दिलक। टिपर दुर्घटना पर भक्तपुर में काल रात 1 गोटे के जान गेल। काठमांडू से भक्तपुर दिस आबि रहल BA5 टिपर वही दिशा से जा रहा प्रदेश 302006 पर 4994 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से वही के चालक 59 सोलोखुम्बू के प्रेम बहादुर राय के मृत्यु भेल। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर के प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवती रमन पोखरेलक अनुसार टिपर के ठक्कर से घायल राय के इलाजक लेल मध्यपुर अस्पताल ल जेबाक क्रम में काल रात जान गेल। दुर्घटना में संलग्न टिपर चालक फरार रहल अछि, ओकर खोजी कार्य भ रहल प्रहरी जनौलक। महोत्तरी जिलाक भंगहा नगर पालिका में करेंट लागि एक युवक के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में जिला के मनरा सिसवा नगर पालिका 4 रानिहार सीधू पंडित के बेटा 19 वर्षक संजय पंडित रहल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक डीजे बाजा बजेबाक क्रम में करेंट लागि मृत्यु भेल। मृतक युवक के सब पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर अंचल अस्पताल में राखल गेल। एम्हर डीजे बाजा सहित आयल रथ के प्रहरी नियंत्रण में लेने। सरकार से आनल गेल पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ के सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण प्रयोग संबंध में व्यवस्था करो बनल विधेयक प्रति प्रतिनिधि सभा के सांसद सब आपत्ति जनौलक। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सोम दिनक बैसार में ई विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत नेकपा आ नेपाली कांग्रेसक सांसद सब ई विधेयक देश के हित के उद्देश्य नै आयल कहत आपत्ति जनौलक। नेपाली कांग्रेसक सांसद दिव्यमणि राज भंडारी सरकार बाह्य इंटरेस्ट में पारमाणविक भट्टी नेपाल में संचालन करबाक संबंध में विधेयक अन्य कहत आशंका करत माने नै हेबाक अड़ान रखलन। ओ यूरोपियन देश सबक सेहो पारमाणविक भट्टी हटेबाक काज भ रहल समय नेपाल में एकर स्थापना के आवश्यकता नहीं रहल स्पष्ट कलन। 17 अब यहाँ भएका एक्सिडेन्टका कुराहरू न्युक्लियर सानो न्युक्लियर देखाउँदाखेरि पावरका कुराहरू यो सबै कुराहरू चाहिँ माननीयज्यूहरूले पनि बताउनु हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि जुन तरिकाले यो विधेयक आएको छ कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा आएको छ, किनकि योबाट हामी तर्सिनुपर्छ। हुनु त त्यो बेला पनि धेरै माननीयज्यूहरूले त्यहाँ बोल्नुभयो भने त्यो देखेर मैले विरोध गरेँ। तर पछि समर्थन निर्णय विधेयकको प्रस्तावमा छलफल गर्ने समर्थन राखिदिनु भयो। अब यसले बिपिन्छ किनभनेदेखि यो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो र यो कसैले कसरी प्रयोग गर्न खोजेको देखि। नेकपाके सांसद भीम रावल पारमाणविक भट्टी स्थापना गरेर आनल गेल विधेयक देशको हितमे नै रहल बतौलन। ओ एहि सम्बन्धमे कानून बनबैत काल व्यापक अध्ययन क मात्र आगा बढाव सेहो सरकारके सचेत करौलन। र तत्कालीन रूपमा हाम्रो साधन स्रोतलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसरी उपयोग गर्ने त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ र नेपाल सरकारले त्यसमा केही गर्न नपाउने तर निजी स्तरले सबै गर्न पाउने यस्तो धारणा त यसमा तुरन्तै सच्याउनु पर्छ। यो धारणातिर हामी गयौँ भने यसले हामीलाई हाम्रो देशलाई दीर्घकालीन रूपमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याउँछ र अनि जुन आतङ्कवाद आदिले प्रयोग गर्ने कुरा हामी त्यहाँनिर भरोसा दिलो हुन्छ।
किनभने कुन कम्पनी कसको हातमा कुन उद्देश्यले कहाँ पुग्छ त्यसको ठेगान हुँदैन. यो मैले खालि नीतिगत कुरा मात्रै माग्ने सबै चाहिँ मैले राख्न चाहे. बैसार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भरत प्रधान पारमाणविक भट्टी नेपालक आवश्यकता नहीं भेल बतौलने. अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम. विश्रामक बाद संसदीय इतिहास में पहिल बेर सांसद सबक वीडियो प्रोफाइल तैयार. आईफा अवार्ड के लिए 1 अरब देबाक निर्णय केने कहे सत्तारूढ़ नेकपा सरकारक विरोध. एहन निर्णय नहीं भेल पर्यटन बोर्डक दावी. भारतक जम्मू कश्मीर में सवारी दुर्घटना 33 गोटे की मृत्यु 22 गोटे घायल. विश्रामक बाद आप बाकी के प्रसंग. संसदीय इतिहास में पहिल बेर सांसद सबक वीडियो प्रोफाइल तैयार कैल गेल. संघीय संसदक सम्मानीय तथा माननीय सदस्य सबक वीडियो प्रोफाइल सोमदिन सार्वजनिक भेल. 61वां संसद दिवस के अवसर में सिंह दरबार स्थित कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सभा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संसद सचिवालय तैयार केने वीडियो प्रोफाइल सार्वजनिक कैल गेल. समारोह के संबोधन करते सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सरकारक सब प्रणाली के पेपरलेस को डिजिटलाइज्ड बनेबाक अभियान अंतर्गत सांसद सबक वीडियो प्रोफाइल तैयार कैल गेल बतौलन. ओ सांसद सबके सचिवालय उपलब्ध कराब लागल लैपटॉप के विषय में गलत प्रचार कैल गेल उपराग रखलन. सांसदलाई भोट गराउने भन्ने सोच बनाएको छौँ त्यसको धर्ममा यसलाई गलत ढङ्गले प्रचार गर्न थालिरहेको छ. त्यस्तो होइन. हामीले घर घरमा लाने उहीँ आफ्नो निजी प्रयोग गर्ने भन्ने उद्देश्यमा होइन. टेबलमा राख्ने संसदीय काममा अप्रुभ गर्ने भने अहिले क्याबिनेटले आफ्नो सबै मन्त्रीहरूले टेबलमै रहन्छ. त्यो उद्देश्यमा रह सबै अब हामी झल्ला भरी किताब बोक्नु सट्टा कम्प्युटरमा होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ. त्यो पनि डिजिटलाइजको एउटा अभियान हो. बजटका केही स्वर पनि आएछ, हामी त्यसलाई सुनिरहेका छौँ. समारोह के संबोधन करे उपसभामुख शिवमाया तुंगमा हाम्फे संसदीय इतिहास में पहिल बेर सांसद सबक वीडियो प्रोफाइल बनल कहत खुशी व्यक्त केने छली. राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा जनता के आस्था के केंद्र संसद बाहेक दोसर कोनो नै रहल प्रमाणित कर सक पड़ल बतौलन. जनता के कोनो समस्या संसदे से समाधान हेबाक प्रमाणित कर सकला पर संसद प्रति जनविश्वास बढ़वाक आ ऐसा संसद मनेनाय के सफलता ठहरबाक तर्क कैलन. संघीय संसद सचिवालय तैयार कने सांसद सबक वीडियो प्रोफाइल संसद दिवस के संदर्भ पर सार्वजनिक कैल गेल. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यथास्थिति में नेपाल वायु सेवा निगम के 1 पैसा नहीं देव सकबाक बतौलन. प्रधानमंत्री ओली 37 अरब घोटाला में रहल नेपाल वायु माफ करब 37 अरब घाटा में रहल नेपाल वायु सेवा निगम के व्यवस्थापन पर सरकारक विश्वासे नहीं रहल स्पष्ट कैलन. निगम के 61वां वार्षिक उत्सव के अवसर में सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में तत्काल नेपाल वायु सेवा निगम के समग्र काज कार्यवाही सुधार नहीं भेला पर सरकार एहि के संचालन के लेल रणनीतिक साझेदार खोजबा देबाक स्पष्ट कैलन. यदि केही समयलाई सकिँदैन भनेदेखि हामीले स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाउँ. स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाउँ, आफै सक्छौँ भने इम्प्रुभ गरौँ चलाउने गरी. समस्या छ भने स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाउँ अथवा अरू प्रकारका म्यानेजमेन्ट्स एरेन्जमेन्ट्स के गर्न पर्छ त्यो गरौँ. यथास्थितिमै 20 अरब दिए 37 अरब दिए सुरु विमान उड्छन् भन्ने कुरा होइन. यथास्थितिमा पैसा दिन मिल्दैन. व्यवस्थापनको सञ्चालनको सुव्यवस्था बिना पैसा मात्रै दिएर केही हुँदैन त्यो मलाई विश्वास छ. त्यस कारण रिलेटेड छ पैसा सरकारले दिने. सरकारकै हो यो कम्पनी. अघि भन्यो भने कसैले $50,000 दिन्छु म भनेर भाडामा लिन चाहन्छ. $50,000 अर्कोले चलाउँदा आउँछ, हामी चलाउन सक्दैनौँ. सरकारको हुँदा चल्दैन. प्रधानमन्त्री ओली वाइड बॉडी विमान चलाबै लेल गन्तव्यके खोजी गर्न नै सकलमे सेहो आपत्ति जनौलनि. ओ सरकार निगमके सङ्गमे रहल मुदा निगम विमान सञ्चालन गर्न नै सकलमे आक्रोश व्यक्त कैलन. प्रधानमन्त्री ओली निगमके आवश्यक बजेट देव सकबाक मुदा अहिके लेल व्यवस्थापनमे व्यापक सुधार होबय पड़त स्पष्ट कैलन. अपन समाचारमे फेरसँ व्यावसायिक विश्राम. विश्रामक बाद आईफा अवार्ड के लिए 1 अरब देबाक निर्णय केने कहे सत्तारूढ़ नेकपा सरकारक विरोध. एहन निर्णय नहीं भेल पर्यटन बोर्डक दावी.
भारतीय जम्मू कश्मीर में सवारी दुर्घटना 33 गोटे के मृत्यु 22 गोटे घायल। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता भीम रावल सरकार नेपाल में आयोजन होब लागल अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अवार्ड एकेडमी कार्यक्रम के लिए 1 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय कहत आपत्ति जनौलक। नेता रावल निजी क्षेत्र के लगानी में आयोजन भ रहा अवार्ड में नेपाल सरकार 1 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय लेना उचित नहीं भेल तर्क कलन। रवि दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में जनता के लिए अस्पताल सड़क बनाब नहीं सकबाक अवस्था में रहल देश दोसर देशक कलाकार के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराब उपयुक्त नहीं भेल बतौलन। ओ नेपाली चलचित्र क्षेत्र के लिए किछ नहीं दे वाला सरकार भारतीय फिल्म अवार्ड के लिए 1 अरब बजट देना जायज नहीं हेबाक बतौलन। नेता रावल मंत्रिपरिषद विस्तार करत समय पार्टी के नीति अनुसार कर सरकार के सचेत करौलन। नेपाल टूरिज्म बोर्ड सरकार इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड के लिए अनुमति देलो पर बजट उपलब्ध करबाक निर्णय नहीं केने स्पष्ट कलक। बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी ई अवार्ड आयोजन के लिए अनुमति देलो पर सरकार एकर लेल बजट देबाक कोनो निर्णय नहीं केने स्पष्ट कलन। बोर्ड ई अवार्ड नेपालक पर्यटन प्रवर्धन के लिए बहुत बड़का अवसर भेला से नेपाल में करबाक निर्णय में सरकार पहुँचल जनौलक। भक्तपुर में रवि दिन दोपहर भेल महिला हत्या में संलग्न के आरोपी 3 गोटे के प्रहरी सोम दिन सार्वजनिक कलक। चांगुनारायण नगर पालिका साथ बांसघारी में डेरा ल रहत आयल सिंधुपाल चौक के 60 वर्षक सावित्री भट्टराई के रवि दिन भोरे हत्या कैल गेल छल। पकड़ायल में सिरहा घर भ एखन भक्तपुर रहनिहार मोहम्मद नौशाद के धादिंग से भारत घर भेल अर्जुन कुमार कह वाला भोला कुमार भारत के मोहम्मद रईस के मकवानपुर से पकड़ने प्रहरी जनौलक। ओकरा सबके प्रहरी सोम दिन पत्रकार सम्मेलन के सार्वजनिक कलक। भारत के जम्मू कश्मीर में सोम दिन सवारी दुर्घटना भेला से 33 गोटे के मृत्यु भेल। किश्तवाड़ के प्रहरी उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा बस नीचा गिर के दुर्घटनाग्रस्त भेला से जानकारी दलन। दुर्घटना में और 22 गोटे घायल भेल। केशवन से आबि रहल बस सड़क में अनियंत्रित भ नीचा खसल प्रारंभिक अनुसंधान में देखल गेल राणा बतौलन। घायल सबके इलाजक लेल नजदीक के अस्पताल में भर्ना कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नावलपरासी कावासोती में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 2 गोटे की मृत्यु। भक्तपुर में ट्रिपर दुर्घटना 1 गोटे की जान गई। पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ के सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण प्रयोग संबंध में व्यवस्था करो बनल विधेयक प्रति प्रतिनिधि सभा सांसद सबक आपत्ति। संसदीय इतिहास में पहल बेर सांसद सबक वीडियो प्रोफाइल तैयार। भारतीय आईफा अवार्ड के लिए 1 अरब देबाक निर्णय के कहत सत्तारूढ़ नेकपा सरकारक विरोध एहन निर्णय नहीं भेल पर्यटन बोर्डक दावी। आ भारतक जम्मू कश्मीर में सवारी दुर्घटना 33 गोटे की मृत्यु 22 गोटे घायल। बेस्त अपन समाचार एखन लैत पाए पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।